नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरद नवरात्रि के बारे में, और इस वीडियो में आज हम खास जानेंगे कि नवरात्रि के दिन कैसे पूजन विधि करनी चाहिए आपको, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है, और बड़ी संख्या में लोग इस दौरान व्रत भी रखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल नवरात्रि कब पड़ रही है, और इनसे जुड़ी और भी ज़रूरी बातें, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहले दिन से आरंभ हो रहा है, और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2021 में ये तिथि 7 अक्टूबर को पड़ रही है। और अश्विन माह की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, और 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन होगा। इस दिन घट और प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं अब कि कलश स्थापना कब करनी है। तो नवरात्रि का पर्व कलश स्थापना के साथ शुरू होता है, और शरद नवरात्रि के में इस बार 7 अक्टूबर 2021 को कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जानी है, और इस दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 9:33 से लेकर 11:31 बजे तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3:33 से शाम के 5:05 के बीच भी घट स्थापना की जा सकेगी। इसके साथ ही 9 दिवसीय नवरात्र के पर्व की शुरुआत हो जाएगी, और 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की पूजा की जाएगी, और 14 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही है। और इस दिन कई लोग पूजा पाठ कर विधि विधान से व्रत खोलेंगे, और इस अवसर पर कन्या भोज कराए जाने का भी बड़ा महत्व है। साथ ही साथ 15 अक्टूबर को बुराई और अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरे का त्यौहार यानी कि विजयदशमी के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कलश स्थापन व पूजन विधि। तो कलश स्थापन के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें और मंदिर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद आप सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं, और उस कपड़े पर थोड़ा चावल रख लें, और उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोए और उसे पात्र में जल से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें, और इसके बाद या कलश पर स्वास्तिक का निशान बना दें, और कलश में साबुत सुपारी सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखने चाहिए, और एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दें। इसके बाद एक नारियल को कलश के ऊपर रखते ही अब माँ दुर्गा का ध्यान और आवाहन किया जाता है, और कहते हैं सच्चे हृदय से माता की पूजा करने वालों का पर जगत जननी की कृपा अवश्य होती है, और वे अपने भक्तों की सदैव ही रक्षा करती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त और कैसे करना है, पूजन विधि बताई है, और साथ ही साथ आपको बताया है कि कब पड़ेगा नवरात्र। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।